हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। कुछ समय पहले तक पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रहा था, पिछले एक हफ्ते से। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है। जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ विद क्विज टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, वहाँ अपलोड कर दिया जाता है। इसलिए यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे ट्रेंडिंग प्रदेश का जो चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम का, उसे भी ज्वाइन कर लें। ओके, तो चलिए हम लोग 6 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों की समस्या को जानने और उनके समाधान के लिए अभियान सम्मान चलाया है। तो अभियान सम्मान क्या है ये आप जान लीजिए। अभियान सम्मान के दूसरे चरण में 910 पुलिस कर्मी ने अपनी समस्या साझा की है। इनमें से 615 समस्याओं का निष्पादन किया गया है। अभी तक 295 मामलों में अग्रेतर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। रांची के सुशांत मिश्र का चयन आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में किया गया है। अब अचानक से नाम आएगा सुशांत मिश्र, बहुत लोग जान नहीं पाएंगे, तो इसलिए इस पॉइंट को यहां पर रखा गया है। सुशांत मिश्र अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम उप विजेता रही थी। एक्टिंग प्लेयर के रूप में टीम के साथ जुड़े रहेंगे सुशांत मिश्र। छोटा नागपुर आर्ट्स रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से पलास ऑनलाइन आर्ट प्रदर्शनी 2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में देश विदेश के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। लॉकडाउन के समय बनाए गए चित्र, स्कल्पचर आदि का प्रदर्शन इसमें किया जा रहा है। इस बार 15 अगस्त को झारखंड के मोराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जो कि 15 अगस्त सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। मोराबादी मैदान के जगह पर जैप वन ग्राउंड का चयन किया गया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ई नैम, झारखंड कृषि विभाग और संस्था सीजन फार्म फ्रेश के संयुक्त प्रयास से अब झारखंड की सब्जियों को भी विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा। सब्जियों की गुणवत्ता के जांच में झारखंड की सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाया गया है। ये सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में जो भी सब्जी पाए जाते हैं, चाहे फल हो या फिर सब्जी हो, वो उनका क्वालिटी जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन क्या है ना कि झारखंड, चाहे वो सब्जी की बात की जाए झारखंड में या फिर कोयला की बात की जाए, यहाँ पर मिनरल्स की बात की जाए, जो वैल्यू मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को वो मिल नहीं पाता है। दूसरे स्टेट्स से लोग आते हैं यहाँ से, जितने भी मिनरल्स मटेरियल्स जो भी हैं वो ले जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। जमशेदपुर से सब्जियों के पहले ट्रायल लॉट को पिछले साल सऊदी अरब भेजा गया था। अब संयुक्त रूप से मिलकर जमशेदपुर और रांची सब्जियों का निर्यात करेगा। पहले लॉट में 1 से 1.5 टन सब्जियों को सऊदी अरब भेजने की तैयारी की गई है। एपिडा के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय मानक की सब्जियों को मान्यता मिलती है। झारखंड में सब्जियों का निर्यात सबसे पहले सऊदी अरब में किया जा रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ट्रिप एडवाइज़र की ओर से कावेरी रेस्टोरेंट जो कि रांची में है को साल 2020 के ट्रेवलर चॉइस विनर का अवार्ड मिला है। हर साल अलग अलग ट्रेवलर के रिव्यू और रेटिंग के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है। लॉकडाउन के बाद 20 मई से शराब की दुकानें खुलने पर खुदरा बिक्री से राज्य सरकार को 3 महीने में 380 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ओके, इसके अलावा गत वित्तीय वर्ष में 110 करोड़ रुपए उत्पाद विभाग को अलग से प्राप्त हुए हैं। शराब से राजस्व के रूप से प्राप्त यह राशि पिछले 5 वर्षों के दौरान सबसे अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में मार्च से जुलाई तक की अवधि में उत्पाद विभाग ने शराब से 801.96 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया था, जो कि राज्य के गठन के बाद से सबसे अधिक है। तो ये 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे 6 अगस्त के झारखंड करंट अफेयर्स के लिए। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जब तक आप उसे क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम लेक्चर के थ्रू आपको दें उसका पीडीएफ तो
अपलोड करें ही करें, साथ साथ उसका क्विज भी ऑर्गेनाइज करें जिसमें आप प्रैक्टिस करके इसे लंबे समय तक याद रख सकें। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें जैसे SSC और JPC की तैयारी के लिए। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।